आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया, मैं हूं कीर्ति सिंह और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी अवसर पर आज रांची के टुपुदाना में कांग्रेस के महिला संगठन द्वारा आज एक महिलाओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से महिला की कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह है और महिला कांग्रेस की महामंत्री भी सुंदरी तिर्की जी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, साथ ही साथ बंधु तिर्की और तमाम कांग्रेस के जितने भी बड़े विधायक और मंत्री हैं वो आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उन्हीं के बीच जो चुनिंदा महिलाएं हैं जो लगातार हर क्षेत्र में कुछ काम कर रही है, उन्हें आज महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सभी महिलाएँ मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्य अतिथि आएंगे और उसके बाद इन्हें सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंह जी भी मौजूद है और इनके साथ ही महामंत्री भी सुंदरी तिर्की जी भी आज मौजूद है। और जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इनसे हम जानेंगे कि आज क्या कुछ खास है आपके लिए, इस बार कांग्रेस की जो महिला टीम है क्या कुछ अलग कर रही है। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे राज्य की जो हमारी बहनें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के बिना ये समाज अधूरा है। अगर हम हैं आधी आबादी तो हमारा समाज पूरी तरह से पूरा होता है। तो आज मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे वैसी महिलाओं को सम्मानित करेंगे, क्योंकि हर बार आपने देखा है कि झारखंड महिला कांग्रेस ने वैसी महिलाओं को निकाला है। कोविड के टाइम में हमने नर्स को या फिर हमारे जो नगर निगम के सफाईकर्मी थे उनको हम लोगों ने सम्मानित किया था। इस बार भी ये कार्यक्रम है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए ये है कि यूपी के जो इलेक्शन है उसमें हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं को 40% आरक्षण दिया, 40% आरक्षण में आपने देखा कि महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया, सम्मान दिया। तो ये पूरे देश का हमारी नारी सशक्तिकरण का एक नारा दिया है प्रियंका जी ने, एक शक्ति दी है, जिसके तहत आज लखनऊ में हमारी प्रियंका गांधी जी, हमारी नेत्री, ये कार्यक्रम का लॉन्च कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसके तहत पूरे राज्य में ये कॉम्पिटिशन चलेगा कि जो भी हमारी बहनें हैं वो अपना एक वीडियो बनाएंगी 3 मिनट का, और उसमें वो उन्होंने जो स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, जिस तरह से वो मुकाम तक आई हैं, वो 3 मिनट का वीडियो एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी किया गया है जिसमें वो भेजेंगी। उसमें से महिलाओं का सिलेक्शन होगा और उसे हमारे नेशनल जो नेतृत्व है प्रियंका जी के द्वारा, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी के द्वारा, फर्स्ट पुरस्कार स्कूटी रखा गया है, सेकेंड लैपटॉप रखा गया है और थर्ड पुरस्कार स्मार्टफोन है। तो इस बार लड़कियों के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में आप देख रही हैं कि ये गूंज रहा है। और पहली बार हमें लग रहा है कि हमें भी बहुत सम्मान मिला है और आधी आबादी का हक दिया गया है, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी के द्वारा, हमारे राहुल गांधी जी के द्वारा। तो इसलिए इस बार ये महिला दिवस बहुत ही खास है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को भी आगे लाने के लिए ऐसे ऐसे कंपटीशन किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से झारखंड में भी महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलेगा, क्योंकि यूपी से ये बिगुल फूंक दिया गया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये निवेदन करूँगी कि राज्य की जो भी 18 वर्ष से कम की जो लड़कियाँ हैं या 18 से ज़्यादा की हैं, इस कंपटीशन में भाग लें और अपने आप को आगे लाएं और अपनी सशक्तिकरण को पहचानें। धन्यवाद। आपसे भी जानेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यहाँ पर जो सभी महिलाएं आई हैं इनमें से किस तरह से इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सारी महिला को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देती हूँ और उनके भविष्य की कामना करती हूँ कि वो आगे बढ़ें, खुद सबल बने और समाज को भी सबल बनाएं। यह मेरी आज के दिन में उनके लिए सूचना है और मैं शुभकामना देती हूँ। आज महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा, जितने सशक्त होना चाहिए था हमारा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस की ओर आगे बढ़ रही है।
लेकिन आज महिलाओं को जितना सशक्त होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। इसलिए समाज के अंतिम पंक्ति तक हमको पहुंचना पड़ेगा महिलाओं का उत्थान के लिए। जो पढ़ लिख गई हैं, जो नौकरी पेशा में हैं, स्वयं आगे आ जाती हैं, लेकिन जो इसके लिए हमको आज करने की ज़रूरत है, आज जितना हॉल में आप देख रही हैं सब समाज से अंतिम पंक्ति तक के महिलाएँ हैं, और उनके लिए हमको काम करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, उनके लिए सशक्त जीवन की जो कामना है वो हमको करना होगा, और आगे राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका कदम अवश्य जरूरी है। आने वाला दिन में पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में महिलाएं आएँ, वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, पंचायत में मुखिया बने, वार्ड बने, जिला परिषद बने, चेयरमैन बने, ये मेरी शुभकामना है। निश्चित तौर पर सामाजिक घर परिवार संभालती हैं, हर गम को अपने में दबा देती हैं, लेकिन दूसरे को गम को देख करके अपने आंसू बहा लेती है, ये महिलाओं की पहचान है। देखा आपने, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हर कोई महिलाओं को सम्मानित कर रहा है और इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कांग्रेस में इस बार कुछ अलग हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में जो यहाँ मुहिम चलाई जा रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत, अब राज्य में जितने भी महिलाएं हैं उनमें से जिन्होंने काफ़ी मेहनत कर एक सफलता हासिल की है, उन सभी को एक मौका मिला है कि वो इसके जरिए जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के जरिए अपने फॉर्म भरे और सरकार तक, कांग्रेस तक अपनी आवाज़ पहुंचाए, जिसके माध्यम से उन्हें कुछ ना कुछ तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा।